नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बनाना सीखेंगे एक क्लैप स्विच। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे क्लैप स्विच सर्किट ट्राई किए, लेकिन इसमें से मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगा वो क्लैप स्विच मैं आपके सामने सर्किट बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस सर्किट में 2547 ट्रांजिस्टर नंबर के ट्रांजिस्टर हैं, और ये जो हमारा जो दो ट्रांजिस्टर सर्किट से जो सर्किट बनता है वो एक माइक से कनेक्टेड होता है। जो माइक से जो अपना हाथ से जो ताली मारते हैं वो साउंड जाता है ट्रांजिस्टर पे। ट्रांजिस्टर इसको स्विच करके देता है 555 IC पे। 555 IC में लगा हुआ कैपेसिटर इसको होल्ड रखता है थोड़ी देर के लिए और वापस स्विच ऑफ कर देता है। और इसको बार बार जैसे ताली मारेंगे तो ताली मारते ही थोड़ी देर तक ये ऑन रहेगा LED, और उसके बाद में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। दोस्तों देखो, ये मैंने सर्किट डिजाइन कर लिया है। इसके अंदर दो ट्रांजिस्टर आपको दिख ही रहे होंगे। ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड एक माइक है। माइक में जैसे ही ताली मारते हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है और ट्रांजिस्टर पे जाता है। ट्रांजिस्टर के बेस पे जाते ही ट्रांजिस्टर ऑन होता है। ऑन होने के बाद ट्रिगर लगता है 555 IC पे, और 555 IC एक टाइमर IC है जो कैपेसिटर के चार्जिंग पर डिपेंड करती है। इसमें एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होता है तब तक IC LED को ऑन रखती है, और जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो कुछ ही देर में ये ऑफ हो जाता है। देखिए कैपेसिटर पे तो ताली, कंडेंसर कैपेसिटर में ताली मारता हूँ, थोड़ा ज़ोर से मारना पड़ेगा, और मारते ही देखिए LED ऑन हो चुकी है। LED ऑन होते ही थोड़ी देर बाद में ऑफ हो जाती है। अगर हम 555 IC नहीं लगाएंगे तो जितनी देर हमारी जो साउंड ताली से साउंड निकलता है उतनी देर ही LED जलेगी, इतनी देर तक LED नहीं जलेगी। तो दोस्तों, 555 IC हमने इसलिए लगाई है ताकि उसकी जो ट्रिगर को थोड़ी देर होल्ड रख सके और डिस्प्ले हो सके कि हम ये एक क्लैप से ही स्विच ऑन हुआ है। धन्यवाद। आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी दिनों बाद में मेरा एक वीडियो सामने आया है आप लोगों के सामने। काफ़ी सिंपल सर्किट है दोस्तों, आप आसानी से घर पे बना सकते हो PCB पे। ये दोस्तों 104 नंबर का कैपेसिटर है, 0.1 UF का।